कहानी सुनाओ ना। अब प्रतिदिन तुम्हारे लिए नई कहानी कहाँ से लाऊं मैं? यशोधरा बाल हट है, कहानी तो सुनानी होगी। क्यों राहुल? वो चिड़िया वाली सुनाओ ना माँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे पिताजी जब छोटे थे बिल्कुल तुम्हारी तरह, तो वो उपवन में घूमने निकले। वहाँ उन्हें एक बहुत सुंदर पक्षी दिखाई दिया। तुम्हारे पिताजी उस पक्षी को बहुत आनंद से देख रहे थे कि अचानक किसी ने उसके ऊपर बाण चला दिया। वो घायल पक्षी तड़पता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तुम्हारे पिताजी ने देखा तो सामने वो यशोधरा। जब देखो तब तेरे देवदत्त की बुराई की कहानी सुनाती रहती। वो देवदत्त कहाँ थे? आज तक कुपात्र का नाम नहीं बताया था, आपने तो स्वयं ही बता दिया। अब तेरे काका के नाम पे मनगढ़ंत कहानी बनाई जाए तो कौन उसे रोक सकता है? राहुल बैठ। तेरे अपने पिताजी जिनकी इतनी आरती उतारी जाती है, और तुझ बेचारे के सुध लेने भी ना आए। माँ पिताजी कहाँ गए हैं? बोलो यशो। माँ पिताजी कभी आएंगे? वो मुझसे मिलने क्यों ना आए? बेटा राहुल क्या है? मैं तुम्हें बता। यशो ये भी बिल्कुल अपने पिता पे गया है, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न। यशोधरा इसके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी अपने पिता की तरह अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने वन चला जाए। माँ जरा तो लज्जा करो, यशोधरा की चोट को सदैव कुरेदने की क्या आवश्यकता है? जो स्वयं घायल विवश हो वो दूसरों को तो घायल करेगा ही ना। आपको यशोधरा की बड़ी चिंता है और मेरी? आज भी जब मैं आपको देखती हूँ तो मेरे पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं। तेरे क्रोध की और परीक्षा न लो। मुझसे किए हुए छल का घाव तो ना भर सके और मुझे आंखें दिखा रहे? मेरे टूटे हुए मन से पुकार निकली और भगवान ने आपका भी सर्वनाश कर दिया। बस इसी की कमी रह गई थी। मारिए मारिए मुझे, आपके मन को भी शांति मिल जाएगी। मारिए ना। यदि तुम मेरे अनुज की पत्नी ना होती सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।